हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ क्रोशे का एक शॉल का डिज़ाइन। ये देखिए, मैंने टसल भी लंबे लंबे इसमें बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इस तरह से। ये लेस डिज़ाइन है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंने लवर्स नॉट स्टिच से बनाया है। ये बहुत जल्दी बन जाता है लेस डिज़ाइन होने के कारण, और ऊन भी कम लगती है, बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए, बीच में छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। इसे आप किसी भी कलर का बनाएं, बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, ये साइड के एजेस भी एकदम स्ट्रेट बने हैं। जिस तरीके से मैं बताऊंगी, उस तरीके से आप बनाएंगे तो एजेस एकदम स्ट्रेट बनेंगे। ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट है और ये छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं। इस डिज़ाइन से आप स्कार्फ, टॉप, शॉल, स्टॉल कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। कुशन कवर भी बना सकते हैं, कर्टेन भी बना सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे पार्टी, पिकनिक कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन से आप और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर है ये शॉल। ये दूसरा साइड है शॉल का, ये देखिए इस तरह से आप देखिए, देखिए बीच में बहुत ही सुंदर फ्लावर बने हुए हैं। ये छोटे छोटे फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने 3 ply ऊन ली है और 3.5 mm का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। ये डिज़ाइन हमारा बनता है मल्टीपल ऑफ इवन नंबर पे, मतलब जोड़ जोड़ नंबर। सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और एक लंबी लूप बनाएंगे। इस तरह से ऊन को खींचेंगे और ये लूप बन गई। अब क्रोशिया पे धागा लपेटेंगे और इस लूप से निकालेंगे और बैक साइड की लूप में क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और फिर धागा लपेट के निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी हो गई लवर्स नॉट। इसी तरह हम लवर्स नॉट बनाते जाएंगे। ये मैं सैंपल बना रही हूँ, इसलिए मैं 8 लवर्स नॉट बनाऊंगी। आपको जितना बड़ा बनाना है शॉल, स्कार्फ, उस हिसाब से आप लवर्स नॉट बना लें। इवन नंबर में ही बनाएंगे। ये देखिए, जैसे हम चेन बनाते हैं ना, इसमें चेन नहीं बना के हम लवर्स नॉट बनाएंगे। ये लवर्स नॉट एक साइज की ही बनानी है, बड़ी छोटी नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये देखने में अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए, 3 हो गए। इसी तरह हम 8 लवर्स नॉट बनाएंगे। इनका साइज एक जैसा होना चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी तो ये जल्दी जल्दी बन जाती है। मैं 8 लवर्स नॉट बनाकर आपको बताती हूँ। ये बन गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लवर्स नॉट। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम 2 लवर्स नॉट और बनाएंगे। यहाँ पे 2 लवर्स नॉट बनाएंगे, फिर आगे बनाएंगे। पहले लूप बनाएंगे, फिर इस तरह धागा लपेट के निकालेंगे, फिर बैक साइड के लूप में क्रोशिया की इंसर्ट करके धागा लपेट के निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरी बनाएंगे उसी तरह। 2 लवर्स नॉट बनाएंगे हम। ये देखिए, मैं अच्छे से बता देती हूँ एक बार। ये देखिए, 2 लवर्स नॉट बनाई। अब ये जो तीसरा है ना सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे अटैच करेंगे। ये 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये तीसरे वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बना के अटैच करेंगे। ये देखिए, 1, ये 2, 2 सिंगल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और ये तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे अटैच करेंगे। ये देखिए, हो गया।
यहाँ पे शुरुआत में हमारी तीन लवर्स नॉट बनेगी, तीन लवर्स नॉट, फिर दो लवर्स नॉट बनाएंगे, एक हो गए, एक और बनाएंगे, दो हो गए, और नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है, एक बार अच्छे से बता देती हूँ, ये जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया। दो दो लवर्स नॉट हम इस राउंड में बनाएंगे, फिर दो लवर्स नॉट बनाएंगे, एक हो गया, एक और बनाएंगे और फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह। फिर दो लवर्स नॉट बनाएंगे, सेकेंड राउंड में हम दो दो लवर्स नॉट बनाते जाएंगे और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट में एक बचा है। फिर दो लवर्स नॉट बनाएंगे, लास्ट में जो सबसे पहले हमने चेन बनाई थी उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। टू टू लवर्स नॉट बनाई और एक सिंगल क्रोशिया बना के उसके साथ अटैच कर दिया, ये देखिए देखने में इस तरह लगेगी। और फिर यहाँ पे हम टू लवर्स नॉट बनाएंगे, एक इसके साइज की और उसको अटैच करने के लिए यहाँ पर एक लवर्स नॉट बनाएंगे, दो लवर्स नॉट हम शुरुआत में बनाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, एक हो गई और एक बनाएंगे, यहाँ बीच में एक बार पकड़ लेने से अच्छी तरह से तभी बनाने में आसानी होती है। अब वर्क को टर्न करेंगे और जो दो लवर्स नॉट हमने बनाए थे उसके बीच में जो सिंगल क्रोशिया है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से, ये देखिए देखने में इस तरह लगेगा। फिर यहाँ पर भी हम अटैच करेंगे एक लवर्स नॉट बना के, यहाँ पर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बना के इसको अटैच कर देंगे, देखिए इस तरह। यहाँ पे शुरुआत में मैंने दो लवर्स नॉट बनाई थी, एक एजेस के लिए एक और ये घुमाने के लिए, इसको राउंड को घुमाने के लिए, फिर एक या इस राउंड में हम एक एक लवर्स नॉट बनाएंगे, एक लवर्स नॉट बनाएंगे और इसे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करते जाएंगे, ये देखिए बीच बीच में एक एक लवर्स नॉट बनाएंगे इस राउंड में, एक लवर्स नॉट बनाएंगे, और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हो गया। इसी तरह ये राउंड हमारा बनेगा, इस राउंड में हम एक एक बनाएंगे, प्रीवियस राउंड में हमने दो दो नॉट्स बनाई थी इसमें हम एक एक बनाएंगे। डिज़ाइन एकदम सिंपल है, खाली थोड़ा लास्ट में हम ध्यान देंगे वो भी दो राउंड में, एक एक लवर्स नॉट बनाते जाएंगे, अटैच करते जाएंगे सिंगल क्रोशे से, लास्ट में भी हम
एक लवर्स नॉट बनाएंगे। और लास्ट सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जब भी हम एक एक सिंगल लवर्स नॉट बनाएंगे तो एक काउंटिंग करके चेक करेंगे कि हमने कितनी नॉट्स बनाई हैं। शुरुआत में हमने 8 बनाई थी, 8 ही लवर्स नॉट हमने इस राउंड में भी होनी चाहिए। इस 8 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यानी कि ये इक्वल है, 8 ही होनी चाहिए। फिर हम 2 लवर्स नॉट बनाएंगे, ये राउंड 4 है, इस राउंड में भी 2 लवर्स नॉट बनाएंगे। और वर्क को टर्न करेंगे, ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे की स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। फिर 2 लवर्स नॉट बनाएंगे, एक राउंड में हम 2 लवर्स नॉट बनाएंगे, एक राउंड में हम एक एक लवर्स नॉट बनाएंगे। इस राउंड में हम 2 लवर्स नॉट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशे की स्पेस है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 लवर्स नॉट बनाएंगे, एक और, और जो सिंगल क्रोशे की स्पेस है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 लवर्स नॉट बनाएंगे, और बनाएंगे, और जो सिंगल क्रोशे की स्पेस है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर हम एक लवर्स नॉट बनाएंगे, और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये लास्ट सिंगल क्रोशिया में डबल क्रोशिया का साइज लवर्स नॉट के साइज का होना चाहिए। थोड़ा लंबा खींचेंगे इस तरह, और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए एजेस एकदम स्ट्रेट बनेंगे इस तरह। ये देखिए 2 लवर्स नॉट है, लास्ट में हमने एक लवर्स नॉट और एक डबल क्रोशिया बनाया है। फिर एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करेंगे, और सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, और फिर एक लवर्स नॉट बनाएंगे, और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह फूल बन जाएगा। इस राउंड में हम एक एक लवर्स नॉट बनाएंगे। प्रीवियस राउंड में हमने 2 बनाए थे, इस राउंड में हम एक एक लवर्स नॉट बनाएंगे, और सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक लवर्स नॉट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया। ये राउंड हमारा इसी तरह बनेगा। ये राउंड में हम लवर्स नॉट एक एक बना रहे हैं, तो इसे भी हम काउंट करेंगे। टोटल 8 लवर्स नॉट होनी चाहिए ताकि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है सीधा बने, स्ट्रेट बने। जितना हमने बेस में नॉट्स बनाई थी ना, 8 नॉट्स, तो 8 नॉट्स होनी चाहिए। हर बार हम जब भी बनाएंगे सिंगल सिंगल लवर्स नॉट, उस समय हम काउंट करके देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। ये हो गया, लास्ट में भी हो गया, अभी इसे काउंट कर लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी कि नीचे में 8 है, तो यहाँ भी 8 होनी चाहिए। उसके लिए देखिए यहाँ थोड़ा तिरछा भी है, इसे भी हम सीधा करेंगे। इसके लिए हम एक लवर्स नॉट बनाएंगे ताकि 8 लवर्स नॉट हो जाए।
और एजेस को सीधा करने के लिए एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया लवर्स नॉट के साइज़ का ही बनाएंगे, थोड़ा लंबा करके इस तरह लंबा खींच लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक बराबर हो गई, 8 लवर्स नॉट यहाँ पर भी हो गई, नीचे भी 8 है ऊपर भी 8 है। देखिए इस तरह फ्लावर बनते जाएगा। इस राउंड को हम इसी तरह बनाते जाएंगे और रिपीट करते जाएंगे। 8 8 ये फर्स्ट हो गई रो, जैसे हमने फर्स्ट में, फिर 2 2 बनाएंगे, 2 2 लवर्स नॉट इसमें बनाएंगे, फिर एक सिंगल सिंगल बनाएंगे नेक्स्ट राउंड में। बस ये जितना हमने ये 4 5 राउंड बनाए हैं, बस इसी को रिपीट करते जाना है, इसी को रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन इस तरह बनते जाएगा। फिर इस राउंड में भी हम यहाँ राउंड 2 की तरह हम 2 लवर्स नॉट बनाएंगे। वर्क को टर्न करेंगे और जो सिंगल क्रोशे की स्पेस है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 लवर्स नॉट बनाएंगे, इस राउंड में 2 2 लवर्स नॉट ही बनाएंगे और नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशे की स्पेस है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह, फिर 2 लवर्स नॉट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशे की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसे भी मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ, इस तरह से 2 2 लवर्स नॉट बनाकर ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए इस तरह 2 2 लवर्स नॉट बन गई। अब फिर यहाँ पर भी हम सेम जैसे राउंड 3 में हमने 2 लवर्स नॉट बनाई थी, यहाँ पे एक और एक अटैच करने के लिए 2 लवर्स नॉट बनाएंगे रो 3 की तरह। एक और बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और जो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हो गया, फिर एक लवर्स नॉट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हम 1 1 लवर्स नॉट बनाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, ये देखिए 1 1 इस राउंड में हम 1 1 बनाए। मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ, मैंने कंप्लीट कर लिया। अब फिर इसे भी कंफर्म करेंगे काउंट करके कि 8 लवर्स नॉट है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जब भी 1 1 लवर्स नॉट बनाए उसे ज़रूर काउंट कर ले, नीचे जितनी है उतनी ऊपर होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह स्ट्रेट बनते जाएगा, एजेस एकदम स्ट्रेट बनेंगे इस तरह। फिर इसमें हमने 1 बनाई है, यहाँ पर हम 2 लवर्स नॉट बनाएंगे इस राउंड। ये राउंड 4 की तरह बनेगा, राउंड 4 और राउंड 5 में हम लास्ट में डबल क्रोशिया बनाते हैं, उसे थोड़ा ध्यान से देखकर बनाएं। फिर सिंगल क्रोशिया की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 लवर्स नॉट बनाएंगे इस राउंड में, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया की स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। ये राउंड 2 2 लवर्स नॉट बनाएंगे इस राउंड में। ये देखिए इस तरह, इसे भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से 2 2 लवर्स नॉट बनाऊंगी। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया,
दो दो लवर्स नॉट बना ली। लास्ट में राउंड फोर और राउंड फाइव सेम है, यहाँ पर भी हम एक लवर्स नॉट बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया। एक लवर्स नॉट बनाएंगे, और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया में। डबल क्रोशिया का साइज़ हम लवर्स नॉट के साइज़ के बराबर ही बनाएंगे, थोड़ा लंबा खींच के इस तरह से हो गया डबल क्रोशिया। ये देखिए एजेस एकदम स्ट्रेट बनेंगे इस तरह से, इस तरह बनाएंगे तो आपके एजेस एकदम स्ट्रेट बनेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया में बनाएंगे। ये हो गया। अब इस राउंड में हम एक एक लवर्स नॉट बनाएंगे। प्रीवियस राउंड में हमने दो दो बनाई थी, इसलिए हम इस राउंड में एक लवर्स नॉट बनाएंगे और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया। फिर एक लवर्स नॉट, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह हम बनाते जाएंगे एक एक। इसे भी मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसे भी काउंट करेंगे कितने लवर्स नॉट हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। और एजेस भी स्ट्रेट नहीं है, इसे भी हम स्ट्रेट करेंगे। इसके लिए हम पहले एक लवर्स नॉट बनाएंगे, जितनी 8 हम पहले बनाई थी यहाँ पर भी हम 8 बनाएंगे। और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना के हम एजेस को स्ट्रेट बनाएंगे। फिर एक लवर्स नॉट बनाएंगे लास्ट में। राउंड 4 और राउंड 5 में हम इस तरह एक लवर्स नॉट और एक लास्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे लवर्स नॉट के साइज का। बस यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, बाकी सब सेम है। ये देखिए इस तरह ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए कितना सुंदर एजेस एकदम, देखिए एकदम स्ट्रेट बने हैं, एकदम स्ट्रेट। इस तरीके से बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। देखिए बीच में फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे। इस तरह मैंने सैंपल एक वाइट कलर का भी बना के रखा है। आप किसी भी कलर के कलर का बनाएंगे वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जिस रंग का भी बनाएं उसमें ही वो बहुत खूबसूरत लगेगा। पार्टी पिकनिक कहीं पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप ज़रूर बना कर देखें। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनता है। लेस डिज़ाइन होने के कारण फैला हुआ भी लगता है और बहुत जल्दी बनता है, कम ऊन भी लगती है। फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।